हेलो एंड वेलकम टू फोनलेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गूगल पे UPI के ट्रांजैक्शन लिमिट के बारे में, और इस वीडियो में हम पंजाब नेशनल बैंक की बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो जब भी हम कोई बड़ा ट्रांजैक्शन करते हैं तो गूगल पे पर पेमेंट डिक्लाइन दिखने लगता है, या फिर आपको ट्रांजैक्शन लिमिट रीच लिखता है। तो ये क्यों होता है? तो बेसिकली होता ये है क्योंकि आप ट्रांजैक्शन लिमिट से ऊपर की ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं। तो फटाफट लिमिट जान लेते हैं। पंजाब नेशनल बैंक की जो UPI ट्रांजैक्शन लिमिट है वो एक ट्रांजैक्शन में 25,000 मैक्सिमम आप कर सकते हैं, यानी एक बार में आप 25,000 का ट्रांजैक्शन मैक्सिमम कर सकते हैं, और कंप्लीट डे में आप 50,000 का कर सकते हैं। तो यही है, अगर आप कम कम करके भी करते हैं तब भी आप मैक्सिमम 50,000 तक का ही कर सकेंगे, और एक टाइम में आप मैक्सिमम 25,000 कर सकेंगे। दैट मीन्स अगर आप ऑनलाइन परचेज करते हैं कुछ प्रोडक्ट तो आप मैक्सिमम 25,000 का ही प्रीपेड कर सकते हैं गूगल पे UPI के ज़रिए, अगर आपका पंजाब नेशनल बैंक है तब। अलग अलग बैंक्स के अलग अलग लिमिट्स होते हैं, तो आगे भी मेजर बैंक्स के ट्रांजैक्शन लिमिट के बारे में जानते रहेंगे। तो आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो भी यूज़फुल लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, जितना हो सके से शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।